नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर आया। आपको पता होगा कि जिस वक्त लालू यादव की पार्टी में घमासान चल रहा था, तेज प्रताप यादव किन परिस्थितियों में पार्टी से बाहर हुए, फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर भी उन्हें रोका गया, संजय यादव, जगदानंद सिंह और सुनील सिंह, इन तीनों पर किस तरीके से तेज प्रताप हमलावर हुए, नाराज हुए, ये सब आपने देखा। बाद में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच भी बहुत सारी बातें हुई। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर आकर अपने भाई तेजस्वी यादव को बहुत सारी बातें खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक कि आने वाले समय में जिस तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर जो बिहार में विपदाएं आती हैं, उस वक्त बाहर रहने वाले व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। बाद में उपचुनाव में हमने देखा कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार थे तेज प्रताप यादव, यहाँ तक कि कांग्रेस को समर्थन भी किया, एक उम्मीदवार भी उतारने की बात चल रही थी। इन सब के इतर तेजस्वी यादव के विवाह के बाद बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव वहाँ पहुँचे और वर वधु को आशीर्वाद दिया, हो सकता है कि उन्हें साथ लिया गया हो। लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी से अलग एक अलग ही राजनीतिक आउटफिट में वो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तेजस्वी यादव पर मामा साधु यादव ने हमला किया तो तेज प्रताप यादव परिवार के रक्षक रूप बनकर सामने आए और मामा के से भिड़ने की बात भी कही। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार आने पर वो मामा को देख लेंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं तेज प्रताप का सबसे बड़ा विवाद अगर किसी के साथ हुआ है तो वो है जगदानंद सिंह, इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के बाद पार्टी में सबसे बड़ा कद रखने वाले नेता। बताया जाता है कि अपने समय में काफ़ी सिद्धांतों के लिए जाने जाते रहे हैं, आज भी राजद कार्यालय में अनुशासन के साथ साथ सिद्धांतों को लाने वाले कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह ही कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव की कहीं भी एक जगह एक बात एक रास्ता नहीं हुई है। दोनों के बीच लगातार अदावत जारी है। कभी तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह को लेकर कुछ बोल देते हैं, कभी जगदानंद सिंह ये बात कह देते हैं कि लालू के बाद स्थान जगदानंद का आता है, बीच में कोई नहीं आता है। हालांकि तेजस्वी यादव भी जब ये स्पष्ट कर देते हैं कि वो जगदानंद सिंह के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां सुधरती हुई जगदानंद तरफ से दिखती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं कि जगदानंद सिंह बहुत नाराज है तेज प्रताप यादव से। परिवार के लोग जगदानंद सिंह को साधने की भी कोशिश करते हैं, लालू यादव खुद जगदानंद सिंह को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जगदानंद सिंह नाराज हैं। इसी बीच खबर ये आ रही है कि जगदानंद सिंह, जैसा कि कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि जगदानंद सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने खुद ही स्पष्टीकरण अगले दिन दिया था। बताया जाता है कि लालू यादव ने बहुत समझाया, तेजस्वी यादव ने समझाया और तेज प्रताप यादव को काफ़ी डांट भी पड़ी, तेज प्रताप यादव से दूरी भी बनाई गई पार्टी की और परिवार ने भी दूरी बनाई। उसके बाद जगदानंद सिंह माने और वो पार्टी की कमान फिर से संभालने को तैयार हुए। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि जगदानंद सिंह फिर से नाराज हैं और उनकी नाराजगी केवल उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा राजपूत समाज जो है उस क्षेत्र का पूरा नाराज हो गया है और वो जगदानंद सिंह से आग्रह कर रहा है कि वो पार्टी छोड़कर नीतीश कुमार का दामन थाम ले। क्या मामला है, यह सुन लीजिए। रोहतास के डेहरी जदयू प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा है कि राजद जगदानंद सिंह का अपमान कर रही है। एक राजपूत समाज के व्यक्ति को जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी पार्टी में रखा और उनके साथ अन्याय किया, ये सबको देख रहा है। अपने बेटे के लिए, तेज प्रताप यादव के लिए जगदानंद सिंह के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जदयू में उनके आने से राजपूत समाज को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह के साथ राजपूत समाज भी अपमानित हो रहा है, जबकि जदयू में राजपूतों का हमेशा से सम्मान रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस पार्टी में सबसे बड़ा जो अपमान हुआ है वो हुआ है जगदानंद सिंह का और उनके पहले रघुवंश प्रसाद का। रघुवंश प्रसाद भी उसी समाज से आते हैं, यानी सीधी बात है, इस पार्टी में इस समाज के नेताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बाद जगदा बाबू जैसे वरिष्ठ नेता चुप रहे हैं। चुप रहने का कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन राजपूत समाज इतना बर्दाश्त नहीं करता है। विकास सिंह ने कहा कि लगातार पानी सर से ऊपर जा रहा है, ऐसे में जगदा बाबू जैसे नेता को इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन्हें आरजेडी को बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि वो आरजेडी से नाराज भी चल रहे हैं। भले ही लालू यादव से किए गए वादे के चलते वो लगातार आज भी लालू यादव की गैरहाजिरी में उनकी पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन जहां सम्मान नहीं वहां एक पल भी टिकना सही नहीं होता है। ऐसे में उन्हें हम आने का, साथ आने का, जदयू में आने का न्योता देते हैं, वो आए और आकर नीतीश कुमार को मजबूत करें। जैसा कि
अंतिम समय में रघुवंश प्रसाद करना चाहते थे। देखिए एक बात स्पष्ट कर समझ लीजिए, नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति अब करने लगे हैं वो हर किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, हर राजनीतिक समीकरण को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसी समीकरणों के तहत उन्होंने अपने बहुत बड़े विरोधी हो चुके उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा, जिधर मांझी की वापसी हुई एनडीए में, यानी नीतीश कुमार अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इसी रणनीति का हिस्सा है बिहार में नीतीश कुमार द्वारा की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जगदानंद सिंह को ऑफर देना। हालांकि जगदानंद सिंह पहले भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुके हैं, इस बार क्या होता है ये देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बार जो ऑफर है वो नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के राजपूत नेता देने लगे हैं। क्या कुछ होता है वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार खबरें चलती रहेंगी भारत लाइव पर, इन खबरों को प्राप्त करने के लिए, ऐसी ही अंदर की खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार भारत लाइव को सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।